परिणीति चोपड़ा बॉलीवुड की सबसे चुलबुली एक्ट्रेस हैं। बॉलीवुड में अपने बिंदास अंदाज और अभिनय से फैंस को दीवाना करने वाली परिणीति चोपड़ा के बारे में आज हम आपको 20 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नंबर 1, परिणीति चोपड़ा का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। उनके पिता का नाम पवन चोपड़ा है जो कि एक बिजनेसमैन है और उनकी माँ का नाम रीना चोपड़ा है। नंबर 2, परिणीति की शुरुआती पढ़ाई कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल अंबाला से हुई थी। परिणीति पढ़ाई में बहुत अच्छी स्टूडेंट थी। 17 साल की उम्र में परिणीति लंदन चली गई जहां से उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की डिग्री ली। नंबर 3, परिणीति बिजनेस फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल ऑनर्स करने के बाद 2009 में मैनचेस्टर से इंडिया लौटी। परिणीति लंदन में बतौर इन्वेस्टमेंट मैनेजर का काम कर रही थी लेकिन 2009 में आई आर्थिक मंदी के कारण परिणीति भारत वापस आ गई। नंबर 4, 2009 में भारत वापस लौटने के बाद परिणीति ने यशराज फिल्म्स के साथ पब्लिक रिलेशनशिप एडवाइजर के तौर पर काम किया लेकिन उनकी सुंदरता और प्रतिभा के कारण उन्हें जल्दी फिल्मों के ऑफर आने लगे। नंबर 5, परिणीति चोपड़ा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत यशराज फिल्म्स प्रोडक्शन के साथ 2011 में लेडीज वर्सेस रिकी बहल से की। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार नहीं कर पाई लेकिन इस फिल्म में परिणीति के अभिनय को काफ़ी सराहा गया और इस फिल्म के लिए परिणीति को बेस्ट फीमेल डेब्यू का भी अवार्ड मिला। नंबर 6, परिणीति सबसे ज़्यादा फेमस तब हुई जब 2012 में अर्जुन कपूर के साथ आई उनकी फिल्म इसक जादे सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की। इस फिल्म के लिए परिणीति को नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नंबर 7, यशराज फिल्म्स में काम करते समय परिणीति ने एक दिन रानी मुखर्जी की पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर भी काम किया था। परिणीति ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि सबसे पहली बार रानी ने उन्हें बताया कि उनमें वो बात है जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस में होनी चाहिए। नंबर 8, लाखों लड़कियों की तरफ परिणीति चोपड़ा को भी अभिनेता सैफ अली खान बेहद पसंद है। नेहा धूपिया को दिए इंटरव्यू में परिणीति ने बताया था कि वो लेज के पैकेट जमा करती थी क्योंकि उन पर सैफ की तस्वीरें बनी होती थी। परिणीति ने बताया कि जब भी वह सैफ और करीना से मिलती हैं तो वह इस बारे में ज़रूर बात करती हैं कि वो सैफ को लेकर कितनी दीवानी थी। नंबर 9, परिणीति चोपड़ा का नाम उन एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार है जिन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू के साथ अपने फिगर पर काम किया है। बॉलीवुड में अपने अभिनय की शुरुआत करने से पहले परिणीति काफ़ी मोटी थी। उनका वजन 86 किलो था लेकिन 2 से 3 फिल्मों के बाद परिणीति को यह एहसास हुआ कि बॉलीवुड में बने रहने के लिए फिट होना कितना ज़रूरी है। परिणीति ने अपने फिटनेस पर ध्यान दिया और आज वे बेहद ग्लैमरस नज़र आती हैं। नंबर 10, 2016 में परिणीति चोपड़ा को वजन कम करने के लिए एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पर अभिनेता ऋषि कपूर ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा था कि मैं बहुत हैरान हूँ कि परिणीति को वजन कम करने के लिए अवार्ड दिया जा सकता है परंतु मुझे वजन बढ़ाने के लिए अवार्ड क्यों नहीं दिया जा सकता है। नंबर 11, परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल बायोपिक की तैयारी कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों में परिणीति ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं जिसमें वह बैडमिंटन की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि इससे पहले यह फिल्म श्रद्धा कपूर करने वाली थी मगर किसी कारणवश उन्होंने यह फिल्म छोड़ दी। नंबर 12, परिणीति चोपड़ा ने 2015 में मुंबई में खुद का बहुत खूबसूरत घर खरीदा। परिणीति का समुद्र किनारे हाई राइज अपार्टमेंट में घर है जिसकी कीमत करीब 22 करोड़ रुपये है। उनके घर की बालकनी से समुद्र का नज़ारा बहुत खूबसूरत दिखता है। नंबर 13, परिणीति ने अपनी फिल्म जवरिया जोड़ी के प्रमोशन के दौरान बताया कि 2015 में उनके करियर का सबसे ख़राब वक्त रहा है। उनकी फिल्म किल दिल और दावतेज बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। उनके पास अचानक से पैसे भी नहीं बचे थे और उसी दौरान उन्होंने एक घर में भी निवेश किया था। परिणीति ने बताया कि मैंने 6 महीने तक मीडिया से मुलाकात नहीं की थी। हालांकि 2016 शुरू होते स्थितियाँ थोड़ी बदली और मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और उसी साल गोलमाल अगेन और मेरी प्यारी बिंदु जैसे फिल्में साइन की। नंबर 14, बॉलीवुड में आए दिन लिंकअप और ब्रेकअप की खबरें आती रहती हैं। हाल ही में परिणीति चोपड़ा भी ऐसी कुछ खबरों की वजह से सुर्खियों में आ गई। परिणीति चोपड़ा अपने रिलेशनशिप और निजी जिंदगी को लेकर ज़्यादा बात करती नहीं दिखती। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो परिणीति 2017 से बॉलीवुड के जाने माने असिस्टेंट डायरेक्टर चरित देसाई को डेट कर रही हैं। चरित देसाई धर्मा प्रोडक्शन की कई फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रियंका चोपड़ा और ऋतिक रोशन की फिल्म अग्निपथ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। नंबर 15, 15 अगस्त को पूरे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस खूब धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। परिणीति चोपड़ा ने भी एक वीडियो शेयर किया
और अपने फैंस को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने 15 अगस्त की बजाय 16 अगस्त को ये पोस्ट शेयर किया था, जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया गया। नंबर 16, जब परिणीति मैनचेस्टर में पढ़ाई कर रही थी तो उन्होंने मशहूर फुटबॉल क्लब यूनाइटेड मैनचेस्टर क्लब में कैटरिंग लीडर के तौर पर काम किया था। नंबर 17, एक्टिंग के साथ साथ परिणीति का सिंगिंग में भी टैलेंट है। परिणीति एक ट्रेड क्लासिकल सिंगर है। उन्होंने फिल्म मेरी प्यारी बिंदु में सॉन्ग माना कि हम यार नहीं से बॉलीवुड में सिंगिंग डेब्यू किया और यह सॉन्ग लोगों ने काफी पसंद किया था। नंबर 18, फिल्मों में अभिनय के अलावा परिणीति चैरिटी वर्क में भी सक्रिय हैं। परिणीति ने सबाना आजमी की मेजवान वेलफेयर सोसाइटी, जो कि लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित एक एनजीओ है, जिसका समर्थन करने के लिए परिणीति विल्स लाइफस्टाइल इंडियन फैशन वीक पर रैंप पर गई थी। इसके अलावा वो और कई भी सामाजिक कार्य का हिस्सा बन चुकी हैं। नंबर 19, परिणीति चोपड़ा ने पिछले दिनों कई फिल्में की हैं, लेकिन उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई हैं। इसकी वजह से ब्रांड की दुनिया में उनकी डिमांड कम हो गई है। परिणीति को अब नए ब्रांड मिलना कम हो गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इसकी वजह उनकी फिल्मों का फ्लॉप होना है। नंबर 20, परिणीति चोपड़ा की अपकमिंग फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन का फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो फिल्म को लेकर और भी रोमांच पैदा कर रहा है। फिल्म के पहले लुक में परिणीति एक बाथ टब में बैठी हैं और उनका चेहरा खून से सना है और उनके माथे पर गहरे के निशान है। परिणीति की यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन की हिंदी रीमेक है, जिसकी शूटिंग लंदन में चल रही है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको परिणीति चोपड़ा की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है।